मोठ कचौड़ी लेके आई है, चल खा ले। फाइनली गाइज, हर्षित की मैगी आई गई, और कई दिन से मैगी 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 कर रहा था, फाइनली लेके ही आई आया आज। और अभी स्कूल से आया पेपर देके और नहाया है, बस सुबह बस नहा ही नहीं पाता, या तो सुबह ठंडा मौसम होता है, मैं कहा चलो थोड़े दिन की बात और है, फिर सुबह नहा कर ही जाना है, तो आते नहाया है और खा रहा है अपनी मैगी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विनीता बनाम ब्लॉग। और सब कैसे हो, सब अच्छे हो? और गाइज ये रहा, देखो जब भी खाना खा गए तारक मेहता जरूर देखता है, मैं तारक मेहता की पब्लिसिटी नहीं कर रही बट है, अच्छा है बच्चों के लिए। चलो और बस सब घर के काम निपटाती हूँ, और सुबह बहुत टाइम लगा, एक तो प्लांट्स की कटिंग करके आए, सारी छत साफ कर रहे थे, और इतने प्लांट्स मतलब आपस में ऐसे उलझे पड़े थे, उन्हें साफ करा, कटिंग करी और कूड़े भर के आए, और अब कर रही हूँ घर का काम, और आज मुझे इसलिए नहाने में भी देर हो गई, बस अब नहाती हूँ मैं और फिर आगे का काम करते हुए। और गाइस काम वगैरह हो गया सब मेरा, और मैं रेडी हुई मार्केट जाने को, और मार्केट से कुछ सामान लाना, और हर्षित को उठा रही हूँ मैं। हर्षित उठ जा बेटा, ये सो गया अभी, कह रहा मम्मी थोड़ी सी एक झपकी लेने दो ट्यूशन जाने तक, मैं चल ले ले, और अब उठा रही हूँ, ट्यूशन का टाइम होगा, इससे मैं छोड़ती ही जाऊँगी, क्योंकि गली पूरी घूम के जाना पड़ता है मैं सीवर की वजह से, और सीवर वाले अभी भी नहीं आए, सुबह से 2 बार हम बुला के ला चुके, और हमें गोल दे जाते हैं कि अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, बट अभी तक 3 बज रहे हैं और अभी तक कोई भी नहीं आया है, देखते हैं भगवान भरोसे रह जाएगा गाइस हम तो। हर्षु उठो, चल पापा छोड़ देंगे तुझे स्कूटी पे पीछे गली से, ठीक है उठ जा, है ना जाएगा, ओ हम भी तो जा रहे हैं मार्केट, चल खड़े हो जल्दी खड़े हो, 3 बज गए बेटा। और गाइस हम रेडी हो गए, भाई अब नहीं मिल रहा तो रहने दे, हर्षु मिल गया मिल गया, और हर्षित को भी जाएंगे ट्यूशन छोड़ते हुए, चल बेटा चले, चल रख ले जल्दी रख। और गाइज हमने वहीं छोड़ा है हर्षु को उतरने के लिए, चल जा बैग तो ले, बैग हेलमेट क्यों ले रहा है, चल ठीक है आके फोन कर दूंगी मैं, ठीक है लगाने गए और मैं बाहर ही खड़ी हूँ। और गाइस हम आए चांदनी चौक कुछ शॉपिंग करने, और हम लेने आए माता रानी, भाभी ने बोला, बड़ी भाभी ने कि हमारी माता रानी ने तो जैसे हम अपने लाए थे पिछले रातों में ऐसे उनके लिए लेने आए हैं, और बस पहुँच गए, पता तो है ज़्यादा टाइम में लगेगा जहाँ कहाँ से लेनी है, आप कोई ढूंढने तो है नहीं मैंने शॉप प्रॉपर, और चलते बस पहले भी हम यहीं से ले गए भैया के यहाँ से, हम सीधा भी यहीं आए इसलिए कि पता तो है ही, अब इधर उधर किया ही जाए। ये बाबा है ये, हाँ हनुमान जी है, लड्डू गोपाल जी के रूप में दे दिए, बाल रूप में, बाल हनुमान, अरे बाल हनुमान जी, लैपटॉप आ गया, मैं पहली बार देखे हैं। देखना क्या माता रानी तो सारी अच्छी होती है, और अब चलते हैं आगे और सामान लेने माता रानी का ले जाते हैं, और इसके सुराग की वजह से दिक्कत आती है कभी वो शस्त्र मोटे, भैया हमें बहुत दुकानों में घूमना पड़ता है, अब आपकी दुकान पता चलेगी ना, हम यहीं से लेने आ गए सीधा, और एक बार में हमने ले भी ली, बट ना वहाँ बहुत दुकान में घूमना पड़ता है, इससे तो जहाँ भी रख लो। बाकी का सामान हमें दूसरी मार्केट जाना पड़ेगा लेने, और दूसरी मार्केट चलते हैं शस्त्र उनके श्रृंगार का सामान और ड्रेस वगैरह के लिए, अब दूसरी मार्केट जाते हैं और वहीं से लेंगे, और आज हमारा जल्दी काम हो जाएगा, हमें सभी पता है कि कहाँ से क्या मिलेगा, और फर्स्ट टाइम में बहुत टाइम लग गया था ढूंढने में कि कौन किसी चीज़ कहाँ मिलेगी, भैया मिले हमें और जलेबी खिला रहे हैं, फेमस जलेबी चांदनी चौक की, क्या शॉप है क्या नाम है भैया, जलेबी वाला ही है, इसकी जलेबी बहुत मतलब मशहूर है और हमने खाई बहुत अच्छी लगी।
और यहाँ पे पहले भी लेके गए, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस मिलती हैं। ये पहना के दिखा दो। सुबह ले लिया हमने और अब चलते पार्किंग की और गाड़ी उठाते और निकलते हैं। और बज गए अभी 5:30 ही बज गए हमें, जल्दी करते करते। सो छोटी चीजों में टाइम लग जाता है, पूरी सिंगार का सामान लिया माता का, और फिर मैंने अपनी माता के लिए भी ले लिया नवरात्रों के लिए। बस कोई गाइस, जब निकल गए घर के लिए और हर्षु का भी फोन आ गया, मेरे को बस आ ही रहे हैं, निकल रहे हैं। घर आए हैं, हर्षित को बुला लिया हमने, मैं कहा आ जा, और वो भी ट्यूशन से आकर आज भी हमारा सीवर साफ नहीं हुआ। हम सोचा आज हो जाएगा, हम मार्केट गए तो कह रहे थे कि आ जाएंगे, लेकिन आज भी नहीं हुआ। भाई इसको एक करने ही नहीं देता, ये कि घर के आगे अपने कोई निकाल नहीं देता, जब तक सारे सीवर साफ नहीं होंगे तो एक सीवर कैसे खुलेगा। बस ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई हमें, भूख लग रही थी और आते हुए मोट कचौड़ी लेके आए हैं, चल खा ले। और गाइस फिलहाल मैं बनाती हूँ अभी खाना, भाई सब भी आ गए हैं और बस पहले खाना बनाते हैं। 9:30 बज गए, क्या हुआ हाँ तो तेरी कट कट थोड़ा सुनेगा, हाँ या ना का जवाब दे ना, पूछ रहा है भैया। तो गाइस अभी जाने हैं मम्मी के साथ, अभी तक खुश है और इसे भी लगी पड़ी है कि मामा के घर जाना, मामा के घर जाना है। और कौन 11 बज रहे, देखो पीछे पड़ा हुआ है, मैं तो जा रहा हूँ, जा तू ही जा अकेला जा। और पापा ने भी खाना भी नहीं खाया है पता है, मैं तो कह रहा था पापा, और पापा कह रहे मैं ऊपर चढ़ूंगा नीचे उतरूंगा ये कर दूंगा, पहले कह रहे चलो फिर आप ही खाना खा लो। भी यही हाल हो रखा है, बुरा हाल, और बच बच के जाना पड़ेगा हमें, है चलो सारी गली गंदी, चलो चल बैठ काके, मैं कह रही आज काका बैठ के जाना पड़ेगा तुझे, मैं सोचा आ गए हैं। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं सही में, या तो बहुत ज़्यादा वाली, और पैर जवाब दे जाते हैं तो चढ़ते चढ़ते ओहो। और आज मार्केट भी गई हूँ तो वो तो घुटना इतना बैंड होते हुए दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, देख दो 11:30 बजे आके ताले खुलवा लिए, सो गए थे सब। देखो पापा बेटा बहुत दिनों में बाद मिले हो तुम, महीनों बाद मिले हो, कैसा लगा ना? खाना खा रहे थे पापा? नमस्ते गाइस, मुझे नमस्ते मत करिए गाइस को बोल लिए। चल खा ले खाना, पापा ही तो सो गई है ना, रुकेगा। क्या चल रहा है तुम्हारा क्वेश्चन? ये देखो ये सो रही थी, सोते सोते इसने उठा दिया आके। अर्षित पेपर अभी बात कर रहे हैं थोड़ी बात, कल पेपर है ना साइंस का है। हाँ, अर्षित का हो चुका हो, और तेरा? मेरे 13 से सीधा 18 तक है लगातार, छुट्टी नहीं है, है ना? हाँ, चलो चलो भैया, तो बहुत सारे कुत्ते खड़े हैं और गाइस जो जा रहे हैं घर, जाना कैसे जैसे आए थे ऐसे चलेंगे, चलो बैठो आराम से निकालेंगे ना, हैं? गर्मी लग रही थी घर में, अंदर लग रहा था पंखा चला लो तेज वाला, वहाँ तो भैया अभी बहुत ठंड है सही, एक तो 12 बज रहे ना आधी रात हो गया, इतनी थोड़ा गर्मी आ गई है ना कि वो पूरी गर्मी हो जाएगी। गाइस बज गए हैं 12:30 और हर्षित सो चुका है, और मैंने सोचा मैं अब अपनी एडिटिंग कर लूँगी लेकिन ब्लॉग मैं सुबह ही डालूँगी क्योंकि प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है गाइस, और क्योंकि सुबह 6:30 बजे उठना ही पड़ता है और हर्षित के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं
और फिर सोनू भी जाता है सुबह, तो फिर लंच वगैरह लगता है, तो इसलिए 6 साढ़े 6 बजे उठना ही पड़ता है गाइस। तो हर्षित को भी उठा देते हैं तो वो भी पढ़ लेता है, मैंने कहा अभी तो सो जा फिलहाल और फिर सुबह पढ़ ले, सुबह उठा दूँगी। और गाइस बस आज हम चांदनी चौक गए, माता रानी लाए, सुंदर सी, बहुत सुंदर माता रानी, जैसे मैं पिछले नवरात्र में लाई थी, शायद आपने ब्लॉग देखे हो, और ऐसी ही सेम टू सेम है। अब भाभी ने मंगाई थी तो मैं उनके लिए लेके आई हूँ। और फिर सारे सामान आता है, शस्त्र वगैरह और सारा उनका मतलब श्रृंगार का सामान, ड्रेस वगैरह सब ले गई, और मैं अपना भी नवरात्रों का सामान लिया, इसलिए बात एक ड्रेसेस वगैरह मैंने कहा मैं भी अभी ले ही लेती हूँ। और गाइस बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस, प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है क्योंकि मौसम ऐसा रह रहा है, कभी पंखा चलाना पड़ता है ये देखिए गाइस, और कभी गर्मी लगती है, तो इससे थोड़ा सा गला ख़राब हो गया मेरा। और बाहर तो मतलब अंदर तो उमस सी है घरों में, और लेकिन बाहर बहुत ठंडक थी, अभी इतनी भी गर्मी नहीं आई गाइस, रात को तो है अभी थोड़ी सी ठंडक तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।